मूवी ब्रह्मास्त्र के अंदर बहुत सारा अस्त्र दिखाया जाएगा और इस वीडियो के अंदर सारे अस्त्र और उसका पावर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहला अस्त्र है नंदी अस्त्र। भगवान शिव जी का वाहन नंदी जी का ये अस्त्र है, या कह सकते उन्हीं से इंस्पायर होके ये अस्त्र को बनाया गया है। इसका जो पावर है वो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, और जहां तक मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा स्पीड भी होगा क्योंकि नंदी जी बहुत तेज भागते भी थे। अब इसके अंदर जो पावर आपको देखने को मिलेगा वो हजारों नंदी का पावर देखने को मिलेगा, और यदि दिमाग में ये चल रहा है कि जो शिव जी का नंदी है वैसा ही हजार नंदी का पावर देखने को मिलेगा वो तो ओवर पावर हो जाएगा। तो जिस नंदी जी का जिक्र हुआ है वो है यहाँ पे बैल का सुप्रीम वर्जन, जिसे हम सांड भी कहते हैं। तो हजारों सांड का पावर इसके अंदर है, और इसके मदद से हमने ट्रेलर के अंदर एक पूरा ट्रक को रोकते हुए देखा है, वो भी एक मुके से। और ऐसा ही सीन हमने एवेंजर्स 1 के अंदर भी देखा था जब हल्क ने लेवियाथन को रोका था, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये देख के। नेक्स्ट पावर जो है वो है वानरा अस्त्र। वानरा अस्त्र एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र है, और ये एक पैरों में पहनने वाला कड़ा है, और जो भी इसे पहनेगा उसको मिलेगा श्री बजरंगबली का पावर, यानी कि हजारों वानरों का पावर, यानी कि स्पीड मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, फ्लाइंग पावर मिलेगा, हाई जंप मिलेगा, और इसी के अलावा और भी इसके अंदर पावर होगा जो कि अभी देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ ये भी अस्त्र एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र होने वाला है। नेक्स्ट अस्त्र है प्रभा अस्त्र, और प्रभा अस्त्र के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन ट्रेलर के अंदर हमने देखा अमिताभ बच्चन ने इस रोल को प्ले किया है, और एक डैगर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, और पावर का कलर ब्लू है, और यहाँ पे प्रभा का मतलब बेग भी होता है, बेग के मतलब पवन भी होता है। तो यहाँ पे बेग हमने पवन में भी देखा, यानी कि हवा में भी देखा है, और पानी के अंदर भी देखा है। तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, और जो भी इसे वेल्ड करेगा उसे स्ट्रेंथ देने के साथ साथ मुझे जहां तक लगता है कुछ और भी पावर ये देगा। नेक्स्ट अस्त्र है पवनास्त्र। पवनास्त्र को वायु अस्त्र के नाम से भी आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा, यदि आपने टीवी सीरियल देखा होगा तो उसके अंदर इसका जिक्र है। जो भी वील्डर इसे वील्ड करेगा, जिसको भी ये पावर मिलेगा, वो बहुत ही इजीली हवा को अपने मन के मुताबिक कंट्रोल कर पाएगा, और हवा के मदद से उसका स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसको मारना भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि वो हवा को अपने वेपन के तरह भी यूज कर सकता है और शील्ड के तरह भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट अस्त्र के बारे में बात करें तो वह है गजास्त्र। गजास्त्र हमारे सिद्धि विनायक श्री गणेश से इंस्पायर है, और जो गणेश जी है उसी का पावर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वैसे तो गणेश जी के पास बहुत ज्यादा ही पावर है, लेकिन इस हिसाब से हमने ट्रेलर के अंदर एक लड़की को इसे यूज करते हुए देखा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये डिफेंस के लिए यूज हो रहा है। तो इसका जो मेन यहाँ पे काम होगा वो होगा प्रोटेक्ट करने का और शील्ड बनाने का, क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमने इनका काम यही देखा है। इसके अंदर स्ट्रेंथ भी होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम मान के चलते हैं ये डिफेंस के लिए एक शील्ड के तरह ये काम करेगा। मूवी के अंदर तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट अस्त्र के बारे में बात करें तो वह है नाग धनुष। नाग धनुष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्त्र होने वाला है, क्योंकि रामायण के लास्ट में जब मेघनाथ से फाइट होता है श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का, तो वहां पे नाग पास के अंदर ही लक्ष्मण जी को और श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ कैद करके रख लेता है। और यहाँ पे दो और नाग के बारे में बता देता हूँ, एक तो तक्षक नाग है और दूसरा है वासुकी। वासुकी नाग को आप हमेशा देखते हो शिव जी के गले में लपेटे हुए, और वहीं पे यदि हम तक्षक के बारे में बात करें, एक बार कर्ण ने महाभारत के अंदर इसे यूज किया था अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं था या कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं था जो कि तक्षक को रोक पाए, और यहाँ पे श्री कृष्ण गोविंद ने हेल्प किया था अर्जुन को बचने के लिए उससे। तो सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल अस्त्र होने वाला है। और वहीं पे यदि हम नेक्स्ट अस्त्र के बारे में बात करें वो है जला अस्त्र। जला अस्त्र इंस्पायर है वरुण अस्त्र से, और वरुण अस्त्र का पावर ये था कि वो पानी को कंट्रोल कर सकता था, और जला अस्त्र का पावर भी यही होगा कि जो भी इसे वील्ड करेगा वो पानी को अपने मन के मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। और ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा है कि एक लड़की ने बहुत ही आराम से सुनामी को अपने कब्जे में करके रखा था या अपने कंट्रोल में करके रखा था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो वरुण अस्त्र है, यहाँ पे कह सकते हो जला अस्त्र है, उसका पावर क्या है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये भी एक बहुत ही भारी और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला अस्त्र होने वाला है।
वहीं पे यदि हम बात करें नेक्स्ट अस्त्र का तो वो है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र स्वयं शिवा है, अर्थात यहाँ पे जो इसे प्ले कर रहा है हमारा रणबीर कपूर, तो वो स्वयं यहाँ पे अग्नि अस्त्र है। और अग्नि अस्त्र का पावर इतना ज्यादा था, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, महाभारत के अंदर एक बार इसे यूज किया गया था और इसके एक वार से लाखों के संख्या में मारे गए थे सिपाही, अर्थात यहाँ पे सोल्जर्स मारे गए थे महाभारत के अंदर। और कुछ ही ऐसे मौका हुए हैं जहाँ पे इस पावर को यूज किया गया था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर, बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र है और ये अपने वील्डर को स्पीड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ फायर का पावर देगा। और जिस हिसाब से यहाँ पे स्वयं ये अग्नि अस्त्र है, जो हमारा शिवा है वो स्वयं अग्नि अस्त्र है, तो ये अपने मन के मुताबिक अपने बॉडी को आग में भी बदल सकता है और एक बहुत ही बड़ा बॉडी भी आग का बना सकता है। और आग के मदद से वो इजीली कोई भी हथियार क्रिएट कर सकता है अपने मन के मुताबिक। तो ये एक बहुत ही पावरफुल अस्त्र है और इसे हम देखने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर। और जो आखिरी अस्त्र है वो है स्वयं ब्रह्मास्त्र। अब तीन ऐसे अस्त्र है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है पाशुपतास्त्र, और नाम मैं गलत ले रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। तो एक है पाशुपतास्त्र जो कि स्वयं शिव जी का हथियार है, एक है सुदर्शन चक्र जो कि स्वयं नारायण श्रीहरि नारायण का अस्त्र है, और एक है ब्रह्मास्त्र जो कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी का हथियार है। और भाई ये जब भी यूज हुआ है महाभारत चाहे कहीं पे भी ले लो, ये जब भी यूज हुआ है, वैसे तो ये यूज नहीं हुआ है लेकिन जब भी यूज हुआ है सर्वनाश ही हुआ है, कोई नहीं बचा है वहां पे। तो सोच सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है, या कह सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल ये अस्त्र है। आई होप वीडियो देखने के बाद सारे अस्त्र के बारे में पता चल गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर से एक ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग सुपर टॉक, बाय।